सिंपल वे में आपका समझाने का तरीका रहता है, उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ा है। दो तीन साल की जर्नी में अब मेरे को सक्सेस मिला है और लगता है कि आपके पास आने के बाद अब मेरे को कहीं जाने का जरूरत नहीं है। और जो आप फीस चार्ज कर रहे हैं वो बहुत नॉमिनल तो है। आपने एक महीने में लगभग कितने दिन ट्रेडिंग किए एंड लगभग कितना प्रॉफिट कमाया एक महीने में? सर एक 10 से 12 लाख मैंने कमा लिया, 4 लाख कैपिटल से। 4 लाख कैपिटल से 10 से 12 लाख कमाए, वाओ, हाँ सर, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। गुड, तो आज आपने प्रॉफिट कमाया है क्या, आज ट्रेडिंग किया है क्या आपने? हाँ सर, आज किया था, उसमें अराउंड 1.5 लाख प्रॉफिट किया, 1.4 लाख। वाओ, सीपीआर का सेटअप कौन सा था वो बता दीजिए एंड कितने लॉट से ट्रेड किया था वो एक थोड़ा सा डिटेल करेंगे मैं आप। हाँ सर, सर आज जैसे कि मॉर्निंग ओपन हुआ, बड़ा रेड कैंडल दिखा, तो मेरे को बेरिश लगा मार्केट, तो मैंने मॉर्निंग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था ऐसे, ओके, फिर इसके ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे। और मैं हमेशा जैसे कि यहाँ 1200 क्वांटिटी लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा बुक करता रहता हूँ, फिर जैसे कि यहाँ लगता है वापस यहाँ पे सपोर्ट मिक्स ले रहा है तो मैं वापस यहाँ क्वांटिटी ऐड करता जाता हूँ, फिर मैंने रेजिस्टेंस ले रहा है तो वापस, और ये ट्रेंड लाइन वापस ड्रॉ कर दिया, देख रहा हूँ काफी देर तक इसको तोड़ नहीं रहा है, इसके अंदर ही घूम रहा है, तो एक छोटा स्टॉप लॉस लेके बड़े प्रॉफिट के लिए मैंने यहाँ तक आज ट्रेड लिया, जिसमें मैंने आज 1,42,000 प्रॉफिट किया। और परसों तो आपको मालूम है आपका मेंटरशिप था, तो आपका कॉल आया था कि भाई आज कल गैप अप ओपन हो सकता है, तो मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था और ओपन होते ही मैंने बुक कर लिया था। और जैसे कि ये मूविंग एवरेज में गैप ज्यादा है तो वापस मैंने यहाँ वापस बाई किया और यहाँ पे एग्जिट किया, और वापस यहाँ से देख रहा हूँ कि रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ से वापस छोटे स्टॉप लॉस लेके बड़े टारगेट के लिए वापस मैंने ट्रेड लिया, जिसमें मैंने अराउंड 3,40,000 प्रॉफिट अर्न किया। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो इसमें जो आपने प्रॉफिट कमाया उसमें सीपीआर का रोल कैसा रहा, पिवोट पॉइंट्स आपको कैसे इम्पोर्टेंट आपको डिसीजन लेने के लिए हेल्प किया? सर पहले जो मैंने सीखा था तो उसमें मेरे को रोज अभी जैसे बैठ के वो लगाना पड़ता था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ती थी, रेजिस्टेंस निकालना पड़ता था, बड़े टाइम फ्रेम में जाता था। पिवोट पॉइंट में तो कोई भी टाइम फ्रेम में जाओ तो उसका रेजिस्टेंस और ये सब सेम ही रहता है। और अगर अपने को एक्सपीरियंस है तो पता तो चल ही जाता है कि ऑलमोस्ट R2 या R3 से तो रिवर्सल एक बार आता ही आता है ऑलमोस्ट, या फिर नीचे S1 S2 S2 S3 से रिवर्सल आता है, तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है ट्रेड लेने में कि छोटा स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेडिंग डायरेक्शन के स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप एक बिग ब्रदर की तरह, तो छोटे ट्रेडर को क्या मैसेज देना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे स्पेशली ऑप्शन बाइंग के लिए? ऑप्शन बाइंग के लिए वही सर कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आप तो छोटे स्टॉप लॉस लो और छोटी क्वांटिटी लो स्टार्टिंग में, अपना एक सेटअप बनाओ और उसके ऊपर आप कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, फिर थोड़े थोड़े चीज आप बढ़ाते जाओ, मीन्स क्वांटिटी बढ़ाते जाओ और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाओ, उसमें बड़ा फायदा होता है। तो क्या आप आज का फायदा प्रॉफिट दिखा सकते हैं, पीएनएल आज का एंड कल का भी देखेंगे, उसके बाद पूरे महीने का देखेंगे, ठीक है? तो अभी आपका भी ये दिख रहा है जीरोधा का नहीं है, बट छोटे छोटे मैं थोड़े थोड़े जैसे मैंने स्टार्टिंग मॉर्निंग एक 30-40,000 कमा लेता हूँ, हाँ, फिर उस 20,000 का रिस्क लेता हूँ 20-30,000 के लिए, तो वैसे करते करते छोटे छोटे ट्रेड लेता रहता हूँ जैसे फ्री होता हूँ, माइंड एकदम, आपने जैसे बोला कि एकदम शांति, मन शांत रखना है, हाँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आराम से बैठ के करो। सभी व्यूअर्स देखिए ये जो लॉस टू प्रॉफिट का जर्नी है, यहाँ पे देखिए कि जो मोंटू भाई है वो पहले भी इसी तरह से करते थे, लेकिन अभी यहाँ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन की वजह से उन्होंने लगभग मोटा मोटी 3 ट्रेड लिया है एंड 3 ट्रेड में उन्होंने 1,42,000 का प्रॉफिट कमाया है। एट द मनी का लिया था कि इन द मनी का लिया था? नहीं, इन द मनी का सर, जैसे आपने बताया इन द मनी बेस्ट है तो इन द मनी लिया।
हाँ, कुछ छोटे छोटे ट्रेडर क्या करते हैं, मैसेज करते रहते हैं व्हाट्सअप यूट्यूब में, कमेंट करते रहते हैं कि सर आउट ऑफ मनी में बहुत पैसा मिलता है, तो आपका क्या कहना है? मतलब हम तो बताते ही है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? सर आउट ऑफ मनी में अगर ट्रेड आपके फेवर में आया तो मिलेगा, बट हमारे फेवर में तो आता नहीं है रिटेल ट्रेडर के, तो बड़ा लॉस होता है, फिर उसमें निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कल का जो आपका 3-3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था मेंटरशिप सेशन में कह रहे थे आप, तो वो बता दीजिए। सर सर ये कल अच्छा। का ट्रेड था, 3 ट्रेड लिए थे, जैसे ये बीटीएसटी था। ओके, आपने जो बोला था वो कोई सर आपका फोन आया था, मैं बाहर था, मेरे को आइडिया नहीं था, मैं इसके सामने नहीं था, स्क्रीन के सामने, आपने बोला कि कल गैप अप ओपन हो सकता है, तो फिर वो हिसाब से मैंने ट्रेड ले लिया 325 के आसपास, 1200 क्वांटिटी, फिर एग्जिट किया, वापस 2-3 बार लिया, तो आपको दिख रहा होगा टोटल मैंने 4850 क्वांटिटी में ट्रेड किया है। यस, दो तीन बार मैंने बाय सेल किया, तो उसमें मैंने 1,62,000 पे प्रॉफिट किया, और जैसे मैंने बताया था R3 के वहां से मैंने ये 1,62 के ऊपर 40,000 का रिस्क लेके बाकी का मैंने ये 1,77,000 का प्रॉफिट किया। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे ये डेट भी है। हाँ, यहाँ पे डेट भी है, तो एक्सलेंट एक्सलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस मोंटू भाई। देखो थैंक यू सर, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए इसको एग्जीक्यूशन करना बहुत, आपको बहुत जो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किए थे बीच बीच में आपको, उत्तर सोमवार मंगलवार आपको ट्रेनिंग मिलती है, उससे क्या फायदा मिल रहा है? वही सर कंसिस्टेंट पे, जैसे कि मेरे को भले एक बार आपने एक बार एक सिखा दिया, बट जो आप बार बार सिखाते हैं तो मेरे माइंड में जाता रहता है, तो दूसरा कुछ थॉट्स नहीं आता है कि भाई क्या करना है। अब पता है कि भाई एक दिन पहले ही पता चल जाता है कि आप एक तो ट्रेड आपका सीपीआर पता चल जाता है कि नेक्स्ट दिन कहाँ खुलने वाला है मार्केट, तो क्या करना है कि पीवट के नीचे आएगा तो शॉर्ट करना है, पीवट के ऊपर आएगा तो बाई करना है, कि कहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है, अगर वीकली सीपीआर मंथली सीपीआर के बीच में कहीं फंसा हुआ है, कहीं क्या है, तो वहां कहाँ ट्रेड नहीं करना है, उससे हम बच जाते हैं, पहले से ही पता चल जाता है हमको कि कहाँ ट्रेड नहीं करना है। वही बेस्ट है कि ट्रेड कहाँ नहीं करना है, अगर ट्रेड कहाँ नहीं करना है वो पता चल गया तो अपना नुकसान नहीं होगा। सर जैसे कि ये 3 लाख का हुआ, आज 1.4 का, जैसे वो कल बताएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और ये अराउंड 9 लाख का हुआ, ओके, चार्जेस कट के 8.4 लाख का, वही 12 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ सर। अच्छा, मतलब 8 लाख और कल का 3.5 लाख और आज का 1.5 लाख, तो लगभग 12 लाख का प्रॉफिट है। ओके, वेरी गुड। तो ये चार्जेस वगैरह, चार्जेस कितने लगे आपको? सर जैसे कि इसमें 56,000, तो 56,000, इसमें 17,000। हाँ। तो इसमें आप कैसे सक्सेसफुल रहे कि बाय डे एंड आप थोड़ा सा ही क्यों ना प्रॉफिट में निकले, तो रेड में नहीं गए, ये कंसिस्टेंसी क्यों आई आप में? क्या ये दोस्त ये पहले आ रही थी कि ट्रेडिंग डायरेक्शन को ज्वाइन करने से पहले आई थी क्या? नहीं सर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पहले रेड ही ज्यादा आता था, ग्रीन बहुत कम आता था, अभी पता चल गया है भले थोड़ा मिले लेके निकल जाओ खुश रहो, बट ज्यादा की आस मत करो, थोड़ा थोड़ा, इसको बिजनेस समझना है सबसे पहले, तो इसको बिजनेस समझना है, बड़े बड़े टारगेट मत रखो, पहले छोटे छोटे टारगेट रखोगे तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप बड़े के लिए जाओ, आप डायरेक्ट बड़ों के लिए जाओगे तो आप वापस रिवर्स हो जाओगे। यस यस यस। एंड जो आपने दो किताब भी खरीदे है, जो मैं यहाँ पे लगाया हूँ, प्रॉफिट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड साइकोलॉजी, उसका कैसे हेल्प हो रहा है आपको? वो भी बहुत अच्छा है सर, रोज दो दो पेज पढ़ रहा हूँ, पहले मोबाइल देखता था, यूट्यूब देखता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, अभी उसमें पता चल जाता है कैसे जाना है, कैसे मन को एकदम शांत रख के ट्रेडिंग करना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे डिसिप्लिन रहना है, जो आपकी इतनी सालों की मेहनत है वो उसका हमको फल मिल रहा है। सर मैं आपको बोलूं तो आधी रात को भी आपको फोन करो तो आप हेल्प करने के लिए रेडी है, उससे ज्यादा क्या चाहिए। और फीस तो समझ लो, जो आप सैटरडे का बोल रहे हो उतना मेरे को शायद 99 है ना शायद? यस 99। एक इसमें सीसीडी में जाके कॉफी भी नहीं आएगा,
संडे का वेबिनार है 999, तो एक अगर फैमिली दो कपल है बाहर खाना जाएगा तो खाने को भी नहीं आएगा, तो मीन्स जीरो मीन्स वैल्यू ही नहीं है उसका, बट जो आप सिखा रहे उसका बहुत वैल्यू है। अगर कोई समझे कि आप कोई ऐसा सोचेगा भी ये वैल्यू नहीं है तो इसमें कुछ नहीं होगा, बट वो गलत है। अब 2 लाख का कोर्स से को भी आपका सामने फेल है कि जो मेन है साइकोलॉजी, अगर उसको आप उसमें आप जीत गए तो इसको जीत सकते हो, ये मार्केट में आप जीत सकते हो। गुड 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 ओके। तो आपका जो लॉस टू प्रॉफिट में कन्वर्ट होने का जो जर्नी रहा है, तो प्रॉफिटेबल में जो इम्पोर्टेंट आपका क्या लर्निंग है कि हमारे अपने जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, तो क्या देना चाहेंगे? जो अनिल सर बोलते हैं वो आंख बंद के करो। मैं तो वही कर रहा हूँ अभी और उसका रिजल्ट दिख रहा है मेरे को। अच्छा, बट उसको फॉलो करो और किसी को फॉलो मत करो, अनिल सर को फॉलो करो और रिजल्ट देखो आप ही। और चाहिए पहले टेस्ट करो, थोड़ा स्टार्टिंग एक एक लॉट से स्टार्ट करो, या आप लॉट भी नहीं करना चाहो तो 10-10 शेयर लेके भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको ही पता चल जाएगा, किसी को बोलने का जरूरत ही नहीं है। तो आप जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में कितना कैपिटल से ट्रेड, कितना कैपिटल से शुरुआत किया था? 4 लाख से। ओके, तो एंड अभी तक कितना कैपिटल में आ गए आप या प्रॉफिट कमाया? सर वही 12 लाख के अराउंड प्रॉफिट किया था, अराउंड 16 के आसपास हो गया अभी। तो कोई ये भरोसा नहीं रखता है, कोई इतना स्टेटमेंट दिखाए ये बताए तो उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं रखता, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि मतलब प्रैक्टिकली सोचने के लिए उनको, हालांकि इसके पीछे बहुत मेहनत है, 3-4 साल बहुत मेहनत है, तो ये मेहनत नहीं दिखती लोगों को जो पीछे, मतलब 1 महीने का रिजल्ट दिख रहा है लेकिन उसके पीछे जितना मेहनत किया है, उतना स्ट्रैटेजी सीखे आप, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? वही सर, मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने एक गलती किया था स्टार्टिंग में कि बड़े से स्टार्ट किया। बड़े से स्टार्ट मत करो, बड़े से स्टार्ट करोगे तो आप फेल हो जाओगे। छोटे छोटे, जैसे बोलते हैं ना दरिया बूंदों बूंद से भरता है, वैसे ही इसमें आओ, वही मेंटालिटी रख के आओ। यहाँ पे आओ तो ऐसा सोच के आओ कि धीरे धीरे कमाना है मेरे को। आप अपना जैसे आप सिखाते हो कि बस रोज का अपना एक टारगेट फिक्स कर दो कि रोज का मेरे को 5,000 लेके जाना है, तो आराम से आप लेके जाओगे। बट आप सोचोगे कि नहीं, 5,000 ले लिया, कमा लिया, फिर आप सोचोगे अब मैं और 10,000 कमाने जाऊंगा, तो 5,000 रख के और अपना 10,000 रख के जाओगे। यस, ये जो मैच्योरिटी जिसको आ गई वो ट्रेडिंग में जीत गया। हाँ, ये इतना सा छोटा सा फर्क है लॉस टू प्रॉफिट में, तो ये छोटा सा फर्क आपको जानना होगा सर। एक तो मेन क्या, आप स्क्रीन के सामने, अगर आपने प्रॉफिट ले लिया तो स्क्रीन के सामने मत बैठो या फिर उसको लॉक कर दो, वो मेन बेनिफिट होता है। अगर स्क्रीन के सामने बैठे हो तो पक्का आपका लॉक। तो जो CPR बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर हम फ्री में दे रहे हैं, तो उसका क्या फायदा हो रहा है आपको? सर उसका ही तो फायदा है मेन, कि पहले से ही पता चल जाता है हमको क्या करना है। बेस्ट 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 है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हम अगर ज्वाइन करते हैं तो मोंटू कोठारी सर भी आएंगे क्या हमारे बैच में, मेंटरशिप में? तो मतलब आप एक हीरो की तरह हो उनके लिए, तो आप क्या कहना चाहते हो? तो उनको आइए, आप मैं भी हूँ बैच में, ये क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं भी बैच हूँ, अगर मेरे से भी कुछ हेल्प होगा तो मैं कर सकता हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हेल्प अगर सब, मेरे को भी हेल्प चाहिए, आपको भी, सबसे अगर आप मेरे को कुछ पूछोगे तो मैं भी कुछ सीखूंगा। यस यस यस, इस एक अगर कम्युनिटी बनता है तो सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, सब साथ में जाएंगे आगे। करेक्ट, तो यही तो है दोस्तों, देखो शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, एक प्रैक्टिकल अचीवेबल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कम्युनिटी बना रहे हैं, तो इससे जुड़िए, इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए एंड मेंटरशिप प्रोग्राम में आइए। सोमवार और मंगलवार शाम को मुंटू भाई भी रहते हैं, हम सब
एक दूसरे को सिखाते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट तो मेन लेसन होने के बाद थोड़ा बहुत शेयरिंग भी होता है कि किसने प्रॉफिट कमाया तो उनका क्या लर्निंग है, तो ये मोटिवेशन मिलता है। तो रियल एग्जांपल हम डेली मिलते हैं, जैसे आपने डॉक्टर का भी एग्जांपल दिखाया है, आज मोंटू भाई का भी देखा है। तो मोंटू भाई आप दिवाली में क्या कर रहे थे, ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाए तो दिवाली में आप बिजनेस? वही बिजनेस था ना सर, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, तो धनतेरस का बिजनेस था। फिर हर दिवाली के दो, दिवाली के पूजा रहती है, दिवाली के दो दिन तीन दिन हम घूमने जाते हैं। अच्छा, तो फैमिली के लिए टाइम निकाला फिर। गुड, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखिए दोस्तों कि हर दिन ट्रेडिंग नहीं करना है, कोई कंपलसरी नहीं। हाँ, तो नहीं। आपको जब फेस्टिवल है, दिवाली है, तो घूमने जाओ, जैसे कि मोंटू भाई बैलेंस रख रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, फैमिली को टाइम भी दे रहे हैं, ज्वेलरी बिजनेस है जो कि दिवाली के टाइम पे सबको मालूम है कि वो बहुत बूम रहता है, तो उसको भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये बैलेंस करते रहो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब करते हो, तो दोनों को रिस्पेक्ट उतना ही दो ताकि आप एक लाइफ में आगे जा सके। और सर एक कहना चाहूंगा कि मेन बड़े जो प्रॉफिट करते हैं, मैं भी हूं, बट और जो बड़े बड़े सब है प्रॉफिट कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट मत देखिए। Okay. प्रॉफिट मत देखिए, स्ट्रेटजी देखिए कि वो उन्होंने क्या अप्लाई किया, ये कैसे कर रहे हैं, वो सीखो। प्रॉफिट करना मत सीखो अभी, पहले या तो आप 100 रुपया लगा रहे हो तो आपका 100 रुपया बच रहा है, उतना भी वो भी आप सीख गए ना शाम तक, कि आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है मॉर्निंग इंट्राडे के लिए और शाम को 100 रुपीज बच गया ना, तो भी आप विनर हो, मैं तो ये मानता हूं। तो देखिए बड़े ट्रेडर का बड़ा एडवाइस सुन लीजिए, वो कह रहे कि 100 रुपये भी बचा लिया तो बहुत है। तो मेरे छोटे ट्रेडर कर रहे हो, 100 रुपये भी बचा लिया तो आप जीत गए समझ लो, फिर धीरे धीरे बनता जाएगा, प्रॉफिट होता जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले आप बचाना सीखो, बचेगा तो आप इन्वेस्ट करके वापस कमा सकोगे, बट बचेगा ही नहीं तो आप क्या करोगे फिर। क्या आपने जो दो किताब लिए वो दिखा सकते हैं हमारे कस्टमर को? सर एक मिनट, सर एक बुक ऑफिस में है, एक इधर है। यस यस यस, कभी ऑफिस में फ्री रहता हूँ तो बैठ के पढ़ता हूँ। ओके, तो एक बुक ऑफिस में है, एक बुक घर पे है, हाउ टू मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हाँ सर, तो इसमें कौन सा सबसे अच्छा चैप्टर लगा आपको? हाँ सर, इसमें सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा लगा सर? इसमें लगा ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग और प्रोबेबिलिटी, सब गैम्बलिंग ही समझते हैं इसको जब अपने इसको बिजनेस की तरह समझने लग जाएंगे तो अपने को फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। यस यस यस, गुड गुड, कि आज आप 100 रुपीज लेके आ रहे हो और मेरे को शाम को 100 रुपीज 200 लेके जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक दिन हो सकता है, दो दिन हो सकता है, बट रोज पॉसिबल नहीं है। तो रोज पॉसिबल है 10 रुपीज या 5 रुपीज लेके जाना 100 का, तो आप एक अपना फिक्स कर लो कि कितना चाहिए आपको, तो आप आराम से इसमें से बिजनेस की तरह इसको लेके चल सकते हो। ओके, सो गुड, थैंक यू मोंटू भाई, जो आपने वेरी इंपॉर्टेंट आपका PNL भी शेयर किया, हमारे स्टूडेंट को एडवाइस भी दिया है, एंड एक आप रोल मॉडल हो कि छोटे ट्रेडर के लिए, कि एक छोटे ट्रेडर 4 लाख से शुरू करते हुए ऐसे मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन इसको फॉलो करते हुए आगे जाना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच मोंटू भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।